क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और चंडीगढ़ में आज सेक्टर 22 में इसका नज़ारा कुछ खास ही दिखा। फेस्टिवल सीजन में करवा चौथ के मौके पर अलग ही चमक दमक दिखी और इस बीच में लोगों ने जी भरकर खरीदारी की और महिलाओं समेत बच्चे व बड़ों ने मेहंदी लगवाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई। इसके साथ ही मेहंदी लगवाने के लिए बहुत सी महिलाएं वेट करती हुई भी दिखी। चंडीगढ़ शहर में लोग करवा चौथ के मौके पर दूर दूर से सेक्टर 22 की मार्केट में आए और खरीदारी का लुत्फ उठाया। जहां छोटे छोटे बच्चे करवे दिए व छन्नी बेचते हुए दिखे, वहीं स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी मेहंदी में अपनी प्रतिभा दिखाती हुई नजर आई। ऐसे में अर्थ प्रकाश की टीम के साथ मेहंदी आर्टिस्ट ने बताया उनका एक्सपीरियंस। चलिए जानते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 22 में करवा चौथ पर लगी रौनकों के बारे में। आज प्रकाश देख रहे हैं, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। करवा चौथ की रौनकें आप सेक्टर 22 में देख सकते हैं और आज हम फिर से एक बार फिर से सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में मौजूद हुए हैं। करवा चौथ की रौनकें इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे आज इतना ज्यादा रश है, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, साइड पे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं खरीदारी के लिए। करवा चौथ की रौनक बहुत देखने को मिल रही है। लेडीज खड़े खड़े भी अपनी मेहंदी लगा रही हैं और साथ के साथ ही अपनी शॉपिंग जो है वो खरीदारी सूटों से लेके मेहंदी तक और करवे की जो भी थाली है, छन्नी है, वो सभी कुछ ले रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रश है सेक्टर 22 की मार्केट में, शास्त्री मार्केट में है। सूटों की सेल देखी है, बहुत ही अच्छी लगी हुई है यहाँ पे। आप देखिए अब यहाँ पे लेडीज का कितना ज्यादा रश है और इसके साथ ही लेडीज से ज्यादा और जेंट्स तो कम ही दिख रहे हैं। अगर जेंट्स हैं तो वो सिर्फ वेंडर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे पूरा पूरा जो है प्रशासन ने शास्त्री मार्केट में एक अच्छा प्रबंध किया गया है, लोगों की सुरक्षा को लेके भी और करवा चौथ के पूरे पूरे प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि करवा चौथ की जो तैयारियां हैं उसका महिलाओं में और पूरी पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप अपना नेम बताएं और ये बताएं आपसे आपके पास कल से लेके अब तक कितने कस्टमर आए हैं। हम वैसे तो कल लेट आए थे तो कल से अभी तक हमारे 6-7 हो गए हैं क्योंकि अभी हम अभी भीड़ होएगी। एक्चुअली जो भी लेडीज़ वगैरह होती है वो बाद में ही आती है, शाम को ही रश होता है यहाँ पे, तो वो शाम को ही आएंगी। हाँ जी, तो शाम को काफ़ी हो जाता है, काफ़ी सारे आ जाते हैं। कल कितने आए थे आपके पास कस्टमर, कितनी कमाई हुई थी आपसे? कल तो ज़्यादा नहीं आए थे, 2-3 थे, बट रेट के हिसाब से तो ठीक ही ठीक होगी। आप बताइए आपने दूसरी मार्केट वालों के कंपैरिजन कितना रेट लगाया हुआ? यहाँ तो रेट सेम ही है, कंपैरिजन तो नहीं, मतलब सबके इक्वली चल रहे हैं। एक हाथ का कितना? 250 अगर फुल लगाओगे तो 250। 250? हाँ जी। अच्छा। अगर फुल लगाओगे तो 250। और आपके पास कल से लेके अब तक कोई ऐसी लेडी आई है जो जिसकी पहली करवा चौथ हो? हाँ जी आई है। कितने जने थे वो? 3 थे। 3 थे, कैसी एक्साइटमेंट? अच्छी थी, अच्छा लगा लगाने में उन्हें क्योंकि वो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट थे। हाँ जी। तो अभी तक आपने जो आज दिन की शुरुआत की है आपको कैसा लग रहा है कि कितना रश होने वाला है? बहुत ज्यादा होने वाला, अभी तो स्टार्टिंग है, बाकी रात तक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप रात तक कब तक रुकेंगे यहाँ पे? 11:30 तक। और आपके साथ और कोई आपका पेरेंट्स है या कोई और आएगा? हाँ जी लेने आते हैं। ठीक है, यानी कि आज आपने पूरा ठाना के अपने पूरी कमाई करके जानी है। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी मैम, आप करवा चौथ के लिए जो मेहंदी लगा रहे हैं ये आपके कस्टमर सुबह से कितने आ चुके हैं? सुबह से फर्स्ट टाइम है क्योंकि आज हम लेट आए हैं। ओके, तो आपने दूसरों के कंपैरिजन कितना रेट लगाया आपने? मैंने दूसरों का कंपैरिजन किया ही नहीं है, यहाँ पर आकर मैंने अपना खुद का रेट लगाया है कि अगर कोई पर्सन डिजाइन के अलग से ले रहा है तो हमें डिजाइन देख करके उसकी पेमेंट बतानी, वैसे अगर नॉर्मल लगाना तो 100 rupees है। तो नॉर्मल जो दोनों हैंड का कितना है और एक हाथ का कितना है? एक हाथ का 100 और दोनों हाथ का 200 है। ओके, और अगर कोई अरेबियन स्टाइल या कुछ भी लगवाता है तो उसके अलग से 300 मनदीप को। ओके, तो आप मेहंदी लगवाने यहाँ पे 22 सेक्टर में आए हैं, तो आपने मतलब जो अपना प्लान किया था या कैसे, मतलब सुबह से कब से वेटिंग में चल रहे हैं या कैसे? सुबह से वेटिंग में चल रहे हैं और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने कभी लगवाई नहीं 22 में ना। आप लोकल हैं या कहीं से? लोकल। तो आपको अब ये मेहंदी लगवा के भैया से कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डिजाइन। ये
इन्होंने जो रेट लगाए हैं सही है? जी जायज रेट है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आपका क्या नाम है? पावनी बेदी। आप लोकल हैं या कहीं से आए? लोकल ही हम 71 सेक्टर से मोहाली। तो आज 22 सेक्टर में मेहंदी लगवा के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सालों बाद आई हूँ मैं, एक्चुअली मैं बाहर ही रहते हैं हम। अच्छा अच्छा, बट 5 इयर्स बाद लगवा रही हूँ मेहंदी। हाँ जी। तो आपका ये जो करवा चौथ का व्रत है जो आपने कल रखना है, वो कितनी बार रखने वाले हो? देखो हो गए हैं 17 ईयर्स, 17th व्रत है मेरा। 17 व्रत है। तो आपको 22 की मार्केट में इस साल आके कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? रेट कैसे लग रहे हैं? कैसा लग रहा है खरीदारी करके भी? रेट्स तो पहले से तो काफ़ी चेंज है यहाँ पे, पर अंकल जी कह रहे हैं कि मेहंदी तो मैं वधिया लगावांगा, बाकी कम है या ज़्यादा? ज़्यादा तो है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया रेट सब, 5 इयर्स में चेंज हो जाता है राइट सब कुछ। तो मेहंदी के अलावा और आपने क्या यहाँ पे खरीदारी करनी है या क्या प्लान है? खरीदारी हमने कर ली है, यहाँ से 2 सूट लिए हैं मैंने अभी, तो हाँ जी ठीक है। वैसे विद कॉस्ट ऑफ लिविंग सब बढ़ गया तो ठीक है उसके हिसाब से। तो इस बार चंडीगढ़ में जो 22 सेक्टर में ये सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रशासन ने जो सुरक्षा के इंतजाम किए कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है सब कुछ। हाँ जी, थैंक यू जी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।